पूर्णिया समेत पूरे बिहार में 8, 9 और 10 दिसंबर को एसएससी का एग्जाम होना तय है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी हैं। इसके लिए जिला सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सेंटर प्रभारियों को बुलाकर मीटिंग में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बताया गया कि इस बार परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कदाचार मुक्त तरीके से लिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन को पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी है और इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। बताया गया कि यह एग्जाम 2014 में ही होना था, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था और उस एग्जाम को अब 2018 में लिया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के जो पद राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और सिर्फ सहायक, ये तीन तरह के पद लगे 10,000 है, 13,000। आप सभी लोग चूंकि क्षेत्र में काम करते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी भी होगी कि प्रत्येक प्रखंड और जिलों में पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी की कमी के कारण प्रशासनिक कार्यों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। हम लोगों ने बहुत तैयारी के बाद और आयोग कार्यालय में आप लोगों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित करते हुए आप लोगों का फीडबैक प्राप्त कर हम लोगों ने पिछली बार के अनुपात में बहुत से सेंटर्स को हटा दिया और इस बार हम लोग पूरे राज्य में 300 जिला मिलाकर 571 केंद्रों पर हम लोग परीक्षा आयोजित कर रहे हैं और चरण जो पूर्व में 6-4 था उसको हम लोगों ने 6 चरणों में आयोजित करना तय किया। इस परीक्षा के लिए और भी व्यवस्था नए सिरे से हम लोग कर रहे हैं, जैसे प्रत्येक केंद्र पर हम लोग जैमर की व्यवस्था करेंगे ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हम लोगों के सामने खड़ा नहीं हुआ, आपके सामने खड़ा नहीं हुआ।